WDFC की परियोजना में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वक्त हम सूरत में WDFC की परियोजना का अपडेट देखने वाले हैं। और दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने डिंडोली गांव से स्टार्ट किया था और न्यू उधना स्टेशन तक का पूरा अपडेट कवर किया था। और आज हम न्यू उधना स्टेशन से लेके और गोठान गांव तक का पूरा अपडेट कवर करने वाले हैं, जिसमें कि तापी रिवर का ब्रिज भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी आप देख सकते हैं ये न्यू उधना स्टेशन, जहाँ से हमने लास्ट अपडेट कवर किया था। और यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, न्यू गोठान गांव तक अपडेट देखेंगे। तकरीबन 9 किलोमीटर का आज का हम अपडेट कवर करने वाले हैं। यह है कड़ोदरा सूरत हाईवे, जिसके ऊपर यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है इस रेलवे परियोजना का। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम इस वक्त कंप्लीट है और यहाँ पर ये बोला सेक्शन ऑपरेशनल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपको मैं बता दूँ, सचिन से लेके और मकरपुरा तक इस वक्त ऑपरेशनल है। तो अभी आप देख रहे हैं ये सूरत आउटर रिंग रोड है, जिसको यह रेलवे लाइन क्रॉस करती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट है। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रैक यहाँ पर हैं, लूप लाइन के लिए, मेन लाइन के लिए। और यहाँ पर दोस्तों, जो WDFC की परियोजना है, अभी जो हमारे भारत में मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं, इनकी जो लंबाई है तकरीबन 750 मीटर होती है। और इस पर जो WDFC की डबल डेकर मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी, उनकी तकरीबन 1500 मीटर लंबाई होगी, जिससे कि हमारे भारत में आर्थिक सुधार होगा, जिससे कि माल ढुलाई में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अभी भी कम से कम माल गाड़ियों को 10 घंटे, 5 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे तक कहीं कहीं पर सिग्नल नहीं मिलता, वो खड़ी रहती है जंगलों में। जब ये पूरी तरीके से रूट ओपन हो जाएगा तो उस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है सूरत कामरेज हाईवे, और इसके ऊपर WDFC का स्टील ब्रिज पूरी तरीके से आपको बन के रेडी देखने को मिल पा रहा है। और ये लक्षाणा ब्रिज है, जहाँ का अपडेट अभी हम देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरा WDFC का अपडेट अच्छा खासा इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई बार यहाँ का वीडियो शूट किया था, तो उस वक्त हमने मोबाइल से शूट किया था, तो उसमें हमने आपको ड्रोन का व्यू नहीं दिखाया। दोस्तों, इस WDFC की परियोजना का सारा क्रेडिट जाता है हमारी इंडियन रेलवे को, और इसको जो ऑपरेट करेगी वो इंडियन रेलवे है, और इसका जो ऑनर है वो है DFCCIL, यानी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, जिससे कि इस रूट को बनाया है। वैसे तो हमारे भारत में इसके टोटल दो रूट बनाए जा रहे हैं, DFC एंड EDFC। WDFC की जो परियोजना है 1506 किलोमीटर लंबी है, उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होती है और महाराष्ट्र के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट नवी मुंबई को कनेक्ट करती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है, यानी कि 93% ये इस वक्त ऑपरेशनल है। इसका जो 106 किलोमीटर का हिस्सा है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं वैतरणा से लेके एंड JNPT तक उसमें अभी काम चल रहा है इस वक्त। We'll be right back.
तो फाइनली इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं तापी रिवर के पास, जहां पर इसका 800 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। इस ब्रिज को बनने में तकरीबन 3 साल का समय लगा है और फाइनली ये इस वक्त रेडी है। इसके ऊपर जो है मालगाड़ी भी इस वक्त दौड़ रही है। नॉर्मली हमारे भारत में अभी जो मालगाड़ियों की स्पीड है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, और इस पर जो मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी वो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में दौड़ेंगी। और यहाँ पर इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत है। इसके ऊपर मैं आपको कई सारी वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, तो फाइनली आज मैं ड्रोन का व्यू पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेशनल हो चुका है WDFC का लेटेस्ट अपडेट। सामने आप जाएंगे तो गोठण गाँव के पास कनेक्ट कर पाएंगे, जिसका हम अपडेट इसी वीडियो में गोठण गाँव तक का देखने वाले हैं। तो फाइनली इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गोठण गांव के पास। सामने आप देख सकते हैं वह गोठण गांव, यहां तक हमने अपडेट पहली बार कवर करके बताया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।